हाय फ्रेंड्स, चलो आज हम देखने वाले हैं कि पोर्ट्रेट ड्राइंग कैसे करते हैं। पोर्ट्रेट ड्राइंग करने से पहले पेपर पे स्केल और पेंसिल से स्क्वायर बना के लो, 1x1 इंच के। उसमें भी पार्टीशन करो क्रॉस लाइन डाल के। मैंने दोनों तरफ से क्रॉस लाइन डाली है। मैंने उस ट्रायंगल को नंबर दिया है ताकि इसमें पेपर पे भी नंबर है और जो मेरा ओरिजिनल स्केच है जिसका स्केच बनाना है तो उसमें भी मैंने नंबर डाला है ताकि हर लाइन, हर आँखों की, कान की, नाक की लाइन सही जगह पे हो और अपनी जो पोर्ट्रेट ड्राइंग है वो किसी और की ना दिखे। पेपर पे मेजरमेंट होने के बाद हर स्क्वायर में, हर ट्रायंगल में जिस जगह से जो लाइन स्टार्ट होती है वैसे वैसे आँखों से आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। जितना आप आँखों से स्टार्ट करेंगे तो उतना सही रहेगा क्योंकि तस्वीर की जान ही आँखों में होती है, तो इसलिए मैंने आँखों से स्टार्ट किया है। पूरा स्केच हो जाने के बाद यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ किया है। ज़्यादा डार्क जहाँ पे होता है वहाँ पे पेंसिल से उतना डार्क मिलना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चारकोल का यूज़ करके देखते हैं, थोड़ा मिक्स करके देखते हैं। ध्यान रहे कि एक बार चारकोल यूज़ किया तो उसके ऊपर पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते हैं और जहाँ पे पेंसिल यूज़ किया है उसके ऊपर चारकोल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि चारकोल बहुत डार्क होता है, उसके ऊपर आप हल्का नहीं कर सकते हैं। और अगर पेंसिल से काम किया है तो उसके ऊपर ग्लॉसी एक लेयर आ जाता है, तो उसके ऊपर ग्लॉसी होने की वजह से चारकोल उसके ऊपर नहीं बैठेगा तो निकल जाएगा। इसीलिए जहाँ पे पेंसिल ही यूज़ करना है वहाँ पे पेंसिल ही यूज़ करो और जहाँ पे चारकोल यूज़ करना है वहाँ पे चारकोल ही यूज़ करो। डिसाइड करो कि कहाँ पे डार्क टोन है उतने ही पोर्शन में चारकोल यूज़ करो। यहाँ पे मैंने ब्रश इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हार्डनेस जो एजेस रहते हैं पेंसिल के या फिर चारकोल के, दोनों में से कोई भी ऐसे हार्ड एजेस जहाँ पे नहीं चाहिए वहाँ पे ब्रश थोड़ा सा उसके ऊपर हल्का सा घुमाने से उसके हार्ड एजेस चले जाते हैं। इसमें रेंडरिंग के बहुत सारे टाइप्स है तो उसमें से मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ क्रॉस रेंडरिंग क्योंकि मुझे वो ड्रॉ करने के लिए बहुत इजी जाता है। हर किसी को प्रैक्टिस होती है अलग अलग रेंडरिंग की, लेकिन मुझे शुरू से ही क्रॉस रेंडरिंग पसंद आता है, इसलिए मैं लाइन लाइन खींच के पूरी ड्राइंग कंप्लीट करता हूँ। चेहरे का जो भी पोर्शन होता है वो HB या फिर 2B, इन दोनों ही पेंसिल से करना ज़रूरी है क्योंकि इससे अगर ऊपर चले गए
तो फिर डार्क होने लगता है, और इंडिया में इतने डार्क लोग नहीं हैं 4B यूज़ करने के लिए या फिर 6B यूज़ करने के लिए, इतने डार्क इंडिया में लोग नहीं है, इसलिए HB या फिर 2B ये दोनों पेंसिल से ही चेहरे का या फिर बॉडी का पार्ट ड्रॉ करना चाहिए। या फिर अगर वाइट लाइट जगह हो या फिर वाइट कपड़े हो, वहाँ पे भी HB या 2B ही यूज़ करना है। अभी बालों का और बैकग्राउंड का कलर एकदम डार्क है, और जितना डार्क है वो पेंसिल से नहीं मिलने वाला था, तो इसीलिए मैंने फिर चारकोल का पूरा एक लेयर लिया, फिर उसके ऊपर पेपर का जो टेक्सचर था तो वो दिख रहा था, तो फिर मैंने उसको पेपर स्टम्प से उसको मर्ज किया। पहले मैं पेंसिल को कैसे कर रहा था, ब्रश से कर रहा था, अभी मैंने स्टम्प से उसको मर्ज किया। फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं चारकोल जो यूज़ किया था वहाँ पे अगर मैं ब्रश यूज़ करता तो वो ब्रश से चारकोल निकल जाता, उसके डस्ट फैल जाते इधर उधर, तो इसलिए मैंने स्टम्प से किया, क्योंकि जो भी डस्ट है वो स्टम्प को चिपक जाता है। जैसे जैसे ड्राइंग कंप्लीट होते जाती है वैसे वैसे हमारे स्केच में और ओरिजिनल फ़ोटो में जो कॉन्ट्रास्ट है, कितना ज़्यादा डार्क है, कितना ज़्यादा हाईलाइट है, मिडल टोन कितना है, वो सब मेंटेन करके आगे चलने का है। उसके बाद उसकी जो ड्रेस है वो वाइट है, तो उसमें मैंने वापस से बैलेंस करने के लिए HB और 2B से उसके पार्ट रेंडरिंग करके लिया। उसके बाद उसके बाल, ताकि कोई अधूरा ना लगे, इसीलिए मैंने उसको ड्रॉ करके लिया। चेहरे का कोई भी पार्ट हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है इंसान की पहचान दिखाने के लिए। अगर इसमें से कोई भी पार्ट में चेंजेस हो गए तो आदमी अलग दिखने लगता है, तो इसीलिए ड्रॉ करते टाइम, स्केच बनाते टाइम 10 बार इरेज करना हो तो करो। मैंने एक बार भी इरेज नहीं किया है इसमें, मुझे प्रैक्टिस है उतनी। तो अगर गलत लग रहा है, कुछ भी लाइंस इधर उधर चली गई है, तो उसको ड्रॉ करते टाइम या फिर रेंडरिंग करते टाइम पे एडजस्ट करके लो, नहीं तो फिर वो जिसकी स्केच बनानी है, जिसकी ड्राइंग बनानी है, उसकी ड्राइंग नहीं लगेगी और आपका क्लाइंट गुस्सा हो जाएगा। ये हो गई हमारी ड्राइंग कंप्लीट।